आप में से कितने लोगों के हीरो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर थे? जानते हैं उनके हीरो कौन थे? स्वामी विवेकानंद। अच्छा, आप में से कितने लोग निकोला टेस्ला के 300 से ज्यादा पेटेंट और इन्वेंशन से इम्प्रेस्ड हैं? जानते हैं उनके हीरो कौन थे? स्वामी विवेकानंद। हम में से कौन सुभाष चंद्र बोस या लाल बहादुर शास्त्री को हीरो मानता है? ऑब्वियसली अब आपको पता चल ही गया होगा कि वो किन्हें हीरो मानते थे, और वो है स्वामी विवेकानंद। और आज के इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे और ऐसी क्या चीजें हैं जिससे नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वामी जी की माँ भगवान पर बहुत विश्वास करती थी, वो बहुत पूजा पाठ किया करती थी ताकि उन्हें एक ऐसा बेटा मिले जो उनकी फैमिली का नाम ऊंचा कर सके। एक दिन उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी ने सपने में भगवान शिव को देखा। उन्होंने देखा भगवान उनसे कह रहे थे कि वो उनके बेटे के रूप में जन्म लेंगे। ये सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुई और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। और 12 जनवरी 1863 में मकर संक्रांति के दिन स्वामी जी का जन्म हुआ। उनकी फैमिली ने स्वामी जी का नाम नरेंद्र नाथ रखा और उन्हें सब प्यार से नरेंद्र कहने लगे। स्वामी जी के परिवार में सब बहुत इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे लोग थे और हमेशा दूसरों की मदद करते थे, जिसकी वजह से उनका बहुत नाम था। सब उनको बहुत मानते थे। नरेंद्र के फादर कोलकाता हाईकोर्ट में एडवोकेट थे। छोटी उम्र से ही वो लोगों पर अलग अलग रिलीजन जैसे कि हिंदू मुस्लिम और अमीर गरीब में भेदभाव करने के लिए सवाल उठाते थे। एक दिन उन्होंने अपने फादर की ऑफिस में टोबेको पाइप का एक बॉक्स देखा। ये उनके फादर के क्लाइंट्स के लिए था। हिंदू कास्ट के लिए एक अलग बॉक्स था और मुस्लिम के लिए एक अलग बॉक्स। नरेंद्र ने हर बॉक्स में से एक टोबेको पाइप निकाला और उसे ट्राई किया। उनके फादर ने जब ये देखा तो उन्हें बहुत डांटा, पर नरेंद्र ने कहा, मुझे तो इन दोनों टोबेको पाइप में कोई डिफरेंस नहीं मिला। नरेंद्र जब छोटे थे तो एक दिन उन्हें दो तरह के सपने आए। पहला, एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी जिसके पास बहुत पैसा है और सोसाइटी में उनका नाम बहुत ऊंचा है, उसके पास एक सुंदर घर है, उनकी वाइफ है और बच्चे हैं। दूसरा सपना था एक मॉन्क जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। उन्हें सिंपल लाइफ पसंद है। पैसा और दूसरी सुख सुविधा देने वाली चीज उन्हें खुशी नहीं करती। उनकी बस यही इच्छा है कि वह भगवान को जाने और उनके और पास चले जाए। नरेंद्र जानते थे कि इनमें से वो कुछ भी बन सकते थे। उन्होंने बहुत गहराई से सोचा और उन्हें एहसास हुआ कि वो एक मॉन्क यानी पुजारी की तरह जीना चाहते थे। दुनिया में क्या क्या नया इन्वेंट हो रहा है, क्या क्या अचीवमेंट हो रही है, इनमें उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनके पास एक क्लियर गोल था, उन्हें भगवान को देखना था। उन्हें एक्सपीरियंस करना था कि भगवान से मिलना कैसा लगता है। वह चाहते थे कि कोई ऐसा इंसान उसे रास्ता दिखाए जिन्होंने खुद भगवान को देखा हो। नरेंद्र श्री राम कृष्ण से दक्षिणेश्वर मंदिर में मिले। वह नरेंद्र से मिलकर बहुत इम्प्रेस हुए। रामकृष्ण समझ गए थे कि नरेंद्र दूसरे बच्चों से अलग है। ऐसा लगता था जैसे नरेंद्र की आंखें हमेशा मेडिटेशन में ही लीन रहती है। वह अपने कपड़ों या वह कैसे दिख रहे हैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। मास्टर रामकृष्ण बहुत खुश थे कि फाइनली उन्हें एक ऐसा स्टूडेंट मिल गया जिसके साथ वो अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं। रामकृष्ण के डेथ के बाद सारे मॉन्क बेघर हो गए। नरेंद्र अब 23 साल के हो चुके थे। अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो नए मॉन्क का ध्यान रखे और उन्हें पढ़ाएं। नरेंद्र पूरे मन से नए स्टूडेंट को पढ़ाने में लगे। घर में सबसे बड़े होने के कारण वह दिन भर अपनी फैमिली की तरफ अपनी ड्यूटी पूरी करते और रात को अपने मठ में अपने स्टूडेंट और भाइयों को सिखाने चले जाते थे। सारे स्टूडेंट ने साधु के जैसे जीवन पूरे तरीके से अपना लिया था। वो अपना पूरा दिन पूजा, पढ़ाई और मेडिटेशन में बिताते। इन सब में वो इतने खो जाते थे कि कभी कभी खाना तक भूल जाते थे। नरेंद्र चाहते थे कि उनके साथ जितने भी लोग हैं, जितने भी भाई हैं, उन्हें हर चीज के बारे में पूरी नॉलेज हो। वो उनके साथ बहुत सी बातें शेयर करते और उनकी नॉलेज को इंक्रीज करते। दुनिया की अलग अलग बुक्स पढ़ के उन्हें सुनाते। नरेंद्र उन्हें दूसरी कंट्रीज की हिस्ट्री और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी बताते थे। उन सबको प्लेटो, एरिस्टोल, बुद्ध और भी बहुत सारे लोगों के बारे में बताए। उन्होंने सबको कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान के बारे में समझाया और सिखाया, जिससे उनकी नॉलेज लाइफ की हर एक एरिया में बहुत अच्छी होगी। उनके पास सिर्फ एक डंडा और एक कटोरा था।
बस वो ऐसे ही चलते रहे। सबसे पहले वो वाराणसी गए, जिसे भारत की सबसे पवित्र जगह माना जाता है। ये वही जगह है जहां बुद्ध और शंकराचार्य जैसे संतों को भगवान से ज्ञान मिला था। नरेंद्र को यहां आकर बहुत अच्छा लगा, मानो जैसे उसमें एक नई ऊर्जा एनर्जी भर गई हो। वाराणसी के बाद नरेंद्र अयोध्या गए। इतना लंबा सफर नंगे पैर और बिना पैसों के तय किया। एक दिन एक अछूता यानी अनटचेबल टैबेको पाइप पी रहा था। नरेंद्र ने उनसे पाइप मांगा, मगर उसने देने से मना कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि नरेंद्र हिंदू है और ये नरेंद्र की रिलीजन के खिलाफ है। नरेंद्र का मूड खराब हो गया और उन्होंने खुद से कहा कि कितने सन की बात है कि हम कितने बुरे कास्ट सिस्टम में फंसे हुए हैं। नरेंद्र वापस उस आदमी के पास गया और उससे टोबैको पाइप मांगा, उसने फिर मना कर दिया। और अब नरेंद्र नहीं मानने वाले थे और आखिरकार उन्होंने उस पाइप को लेकर पी ली। स्वामी जी को अमेरिका में एक होप और अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, क्योंकि वहाँ कोई कास्ट सिस्टम नहीं था। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एक बहुत अच्छा मौका था इंडिया के लिए मदद मांगना। स्वामी जी से उन्हें इंडिया का एंशियंट नॉलेज मिल सकता था और बदले में इंडिया उनसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में सीख सकता था। एक दिन उन्होंने एक सपना देखा। नरेंद्र के पुराने गुरु रामकृष्ण समुद्र की तरफ बढ़ रहे थे। वो स्वामी जी को अपने पीछे आने के लिए कह रहे थे। उन्होंने शारदा देवी को भी जाओ कहते हुए सुना। उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें अमेरिका जाना चाहिए। अब उन्हें समझ में आ गया था कि रामकृष्ण और माँ शारदा देवी की ब्लेसिंग्स उनके साथ है। उन्हें विश्वास हो गया था कि ये वही है जो उन्हें करना है। वो सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे कि पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन सितंबर 1893 खोला गया। ये एक फेयर जैसा था जो वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन नाम के एक इवेंट का पार्ट था। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को खोजा था, ये उसे सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जा रहा था। इसका मकसद ये दिखाना था कि वेस्टर्न कंट्री साइंस और टेक्नोलॉजी में कितने आगे बढ़ गई है। क्योंकि रिलीजन भी हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इसलिए उसे भी इस इवेंट में शामिल किया गया। उस हॉल में कम से कम 7,000 लोग जमा हुए थे। पूरी दुनिया के रिलीजियस लीडर्स आए। हर रिलीजन को पेश करने के लिए एक लीडर को भेजा गया था। ये रिलीजन थे क्रिश्चियनिटी, हिंदुज्म, इस्लाम, फ्यूजनियम, बुद्धिज्म और जैनिज्म। हर एक लीडर को सामने आकर स्पीच देनी थी। स्वामी जी बहुत नर्वस थे, उन्होंने कोई स्पीच तैयार नहीं की थी। उन्हें पता नहीं था कि उन्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। वो पहली बार इतने सारे लोगों के सामने स्पीच देने वाले थे। उन्होंने वहाँ काम कर रहे टीम से कहा कि उन्हें सबसे लास्ट में बुलाया जाए। आखिर उनके बोलने की बारी आ गई। उनके सबसे पहले वर्ड्स थे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। उनकी इन वर्ड्स ने वहाँ सभी लोगों का दिल जीत लिया। वहाँ पर सब लोग खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। सबको लगा कि कोई अलग आया है, जिसने पूरे मन से कहा था और जिनकी बातों में सच्चाई थी। वह सबसे यह कहना चाहते थे कि हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। हमें एक दूसरे को समझने की और शांति बनाकर रखने की जरूरत है। कोई हमसे अलग है तो क्या हुआ, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। स्वामी जी की वो खास बात जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी, वो ये थी, उन्होंने कभी किसी रिलीजन को सही और बाकी सबको गलत प्रूफ करने की कोशिश नहीं की। उनका मानना था कि सब रिलीजन हमें भगवान तक ले जाने का रास्ता है। वो कहते थे कि किसी मकान में अंदर जाने की बहुत सारे दरवाजे हो सकते हैं। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के बारे में इंडिया में खबरें आने लगी। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में स्वामी जी की स्पीच छपने लगी। सारे इंडियंस को बहुत प्राउड फील हो रहा था। मठ में जो उनके भाई थे, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ये वही नरेंद्र है जिनका इतना नाम हो गया। जब स्वामी जी ने उनको लेटर लिखा, तब जाकर सबको विश्वास हुआ। अमेरिका में स्वामी जी की बहुत लोग मदद कर रहे थे, लेकिन वो उन पर डिपेंड नहीं होना चाहते थे। इसलिए वो अमेरिका में जगह जगह जाकर लेक्चर देने लगे, ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल सके। जहां उन्हें दया और सबको एक्सेप्ट करने वाली सोच को फैलाने की कोशिश करी, स्वामी जी ने न्यूयॉर्क, बोस्टन, वाशिंगटन और कैम्ब्रिज में लेक्चर दी। उनका जो गोल था,
अब जाकर पूरा हुआ था। उन्होंने पूरी दुनिया को अपने विचारों के बारे में बताए और इसी वजह से अब वह इंडिया में गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं। जब स्वामी जी इंडिया पहुंचे तो हजारों लोग पॉर्ट पर स्वामी जी के आने का वेट कर रहे थे। जब उनके कपड़े की एक झलक दिखाई दी तो वो सब खुश हो गए और उनका नाम लेकर चीयर्स करने लगे। उनको रिस्पेक्ट देने के लिए वो सब लोग जमीन पर बैठ गए। वो तो एक मॉन्क थे, वो तो एक पुजारी थे जिनके पास ना तो पैसे थे ना ही घर। लोग उनको उनके ज्ञान और उनकी सोच के लिए पसंद करते थे और ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था। वो उन सब के लिए ग्रेटफुल थे। स्वामी जी पहले मद्रास गए, उसके बाद कोलकाता। वो जहाँ भी जाते थे लोग उन्हें वेलकम करने के लिए वेट करते थे। लोगों में उन्हें देखने और उनकी बातें सुनने की बहुत इच्छा थी। एक बार उनकी एक फॉलोअर ने उनसे पूछा कि आप इन सब से थक नहीं जाते? स्वामी जी ने कहा, भगवान का काम करने में थकान कैसी। एक दिन उनके पास एक आदमी आया और जो बहुत परेशान था। उसने कहा कि उसने सब कुछ करके देख लिया लेकिन वो भगवान को नहीं ढूंढ पा रहा। उसके टीचर ने जैसा कहा था वो वैसा ही करता था, भगवान की मूर्ति की पूजा किया करता था, आंखें बंद करके अपने रूम में मेडिटेशन करने की कोशिश किया करता था, फिर भी उसे मन की शांति नहीं मिल रही थी। मैं क्या करूं? उसने स्वामी जी से पूछा। स्वामी जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, अपने दरवाजे, अपनी आंखें खोलो, अपने चारों तरफ देखो। उन्होंने उसे अपने आसपास गरीब और कमजोर लोगों को देखने के लिए कहा। बोले कि उसे पूरी मेहनत और मन से उन सब लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर वो भूखे हैं तो उन्हें खाना दो, अगर वो बीमार है तो उन्हें दवाई दो। पढ़ाओ, पूरे मन से उनकी सेवा करो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। जब स्वामी जी को अस्थमा हो गया था, डॉक्टर ने उन्हें नॉर्थ इंडिया जाने के लिए कहा क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अच्छा था। नॉर्थ के लोग बहुत समय से स्वामी जी को बुला रहे थे, इसलिए स्वामी जी मान गए। अपने फ्रेंड को लिखे हुए लेटर में उन्होंने कहा था कि वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं। स्वामी जी ने नॉर्थ इंडिया के हर एक स्टेट में लेक्चर दी। स्वामी जी ने एकता को बढ़ावा देने के लिए बताए। उन्होंने यूनिवर्सिटी में भी कहा था कि स्टूडेंट को सिर्फ क्लर्क, लॉयर या डिप्लोमेट ना बनाए, बल्कि उन्हें अपने देश की सेवा करने और अपने देश से प्यार करना भी सिखाएं। अंत में स्वामी जी बेलूर मठ में रहने लगे। उनका अस्थमा और खराब हो गया, दिन पर दिन उनकी बॉडी और वीक हुई, मगर उनका माइंड अभी भी बहुत शार्प था। अगर कोई मॉन्क उन्हें रेस्ट करने के लिए कहता तो वो नहीं मानते थे। स्वामी जी को इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका बहुत पसंद था। एक मॉन्क ने उससे कहा, इस बुक में सारे 25 वॉल्यूम को याद करना बहुत मुश्किल है, और स्वामी जी तब तक 11th वॉल्यूम स्टार्ट कर चुके थे। उन्होंने उस मॉन्क से कहा, वो 10 वॉल्यूम पढ़ चुके हैं, उनमें से वह कुछ भी पूछ सकता है। ये देखकर वो मॉन्क बहुत सरप्राइज हुआ। स्वामी जी को सारे जवाब आते थे, यहाँ तक कि उन्हें उस बुक की कुछ लाइंस भी बोलकर दिखाएं। स्वामी जी को महसूस हो चुका था कि वो 40 से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएंगे। उनकी एज उस समय 39 years 5 months हो चुकी थी। उन्होंने पंचांग में भी देखा ये कैलकुलेट करने के लिए कि उनकी डेथ कब होने वाली है। स्वामी जी ने अपने सीनियर मॉन्क को बता दिया था कि अपना अंतिम संस्कार वो कहाँ चाहते हैं। उसी मठ के ग्राउंड में एक जगह थी। फ्राइडे शाम 7 बजे बेल बजी, पूजा का समय हो गया था। स्वामी जी अपने रूम में पूजा और मेडिटेशन करने चले गए। उन्होंने अपने सेवक से कहा कि वो 1 घंटे रूम में रहेंगे और उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद स्वामी जी ने अपने सेवक को मदद करने के लिए बुलाया। रूम में सब विंडो को खुला दिया गया ताकि फ्रेश हवा आ सके। स्वामी जी बेड पर लेट गए। उनके सेवक ने सोचा कि वह सो गए हैं। वह वैसे ही लेटे रहे, उनके चेहरे पर बहुत शांति थी, वह लंबी सांसें ले रहे थे। फिर रात 9 बजे उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। उन्होंने अपनी आवाज, अपनी सोच गरीबों के लिए मदद मांगने में लगा दिया था। वो पूरे कंट्री में घूमा और हर जगह उन्हें यही गरीबी दिखाई दिए। उन्होंने अपने स्पेशल गिफ्ट को लोगों की सेवा करने में लगा दी। उनके इसी क्लियर गोल ने उन्हें इतना सक्सेसफुल बनाए। उनकी इसी पक्के इरादे के कारण उन्हें यूरोप और अमेरिका में इतनी रिस्पेक्ट मिली। दोस्तों, इस वीडियो में हमने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देखा और जाना। हमने उनकी सच्चाई, उनके विश्वास और वह कितने दयालु थे ये भी जाना। वह सच में एक महान इंसान थे। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने प्यार,
शांति बना कर रखना और एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की बात पर हमेशा जोर दी। अब ये हमारी ड्यूटी है कि हम उन्हें हमेशा याद रखें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। तो दोस्तों, अगर आप स्वामी विवेकानंद जी के डिटेल में हिंदी बायोग्राफी सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपके लिए पूरे डिटेल में बायोग्राफी बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।